Hello everyone, I am Chirag Champaneri. I am lecturer in Civil Engineering Department at Engineering Tech. Now today we will discuss about the subject. The subject is Water Supply and Sanitary Engineering, and its topic is Sewer Apparatuses. So let us start with the content. The content is the brief of sewer apparatuses, manhole, drop manhole and catch pit. Next, start karenge brief of sewer apparatuses. So sewer apparatuses kya hai? Sewer apparatuses are those the structure which are constructed along a sewer line at suitable interval to assist in efficient operation and maintenance of a sewer system. यानी कि हम जो sewer apparatuses है वो क्या करते हैं कि sewer line जहाँ भी हम apply करते हैं वहाँ पे हम उसको construct करते हैं पर्टिकुलर इंटरवल पे, और उसका यूज क्या है कि प्रॉपर हम उसको मेंटेनेंस कर सके और जो सीवर का फ्लो है उसको हम मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एप्लिकेंसीज जो है वो आते हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे सो इनलेट, कैच आउट्स, मेन होल्स, ड्रॉप मेन होल्स, लंप होल्स, फ्लशिंग टैंक, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप, इन्वर्टेड साइफोन एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। हम देखेंगे नेक्स्ट कि मेन होल, मेन होल क्या है? सो मेन होल इज अ मशीनरी और आरसीसी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग द शिवर लाइन फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द शिवर लाइन। यानी मेन होल जो उसका पर्पस क्या है कि वो हमारे शिवर लाइन जो है वहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका मेन फंक्शन ये है कि मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर पानी जो है हमारा वेस्ट वो फ्लो हो सके, उसकी जो उसका क्या है मेन फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मेनली मेन होल जो है वो थ्री टाइप्स के आते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा शैलो मेन होल, फिर नॉर्मल मेन होल और लास्ट में आता है डीप मेन होल। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी पाइप के जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको बाइफर्ग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो है ड्रॉप मेन होल। ड्रॉप मेन होल क्या है? तो ड्रॉप द मेन होल इन विच अ वर्टिकल पाइप इज यूज इज कॉल्ड ड्रॉप मेन होल। ड्रॉप मेन होल का पर्पस क्या है कि जब हमारा शीवर पाइप का लेवल ज़्यादा है और हमें क्या करना है उस लेवल को रिड्यूस करना है, तो उन दोनों के बीच में हम ड्रॉप मेन होल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल है वो हम क्या कर सके, उसकी जो पानी है वो इजीली हम मूव करवा सके। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो आता है कैच पिट। तो कैच पिट क्या है? तो कैच पिट जो है वो हमारे रोड के साइड पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसका पर्पस क्या है कि जो भी रेन वाटर आ रहा है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो भी वाटर कंटेंट है उसके अंदर से सेव पार्टिकल्स, फिर डेब्रिसेस, ट्रीज, लीव्स, उसको क्या करता है फिल्टर करके क्लीन जो वाटर है वो उसके अंदर स्टोर करता है, और वो वाटर को डायरेक्टली शिवर लाइन के अंदर मूव ऑन करता है। होप सो आपने इस सेशन में जाना होगा कि हमारे जो एप्लिकेंसीज जो है शिवर के अंदर, तो उसका यूज़ किया है, ठीक है, कहाँ उसको लोकेट किया जाता है। सो आपका नॉलेज जो है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक लिंक हमने प्रोवाइड की है, तो उस पर जाके आप एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है थोड़ा नॉलेज ज़्यादा गेन होगा। थैंक यू।